नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरसों का तेल कितना गुणकारी है आपके लिए। जी हाँ, अगर आपके कान में दर्द है, आपके कान में तकलीफ है, आपको लगता है कि आपके कान में सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो रही है, तो आप सरसों के तेल को हल्का गर्म करके उसकी दो दो बूंदे अपने कानों में डालिएंगे तो आपको उस बीमारी से छुटकारा मिलेगा और धीरे धीरे आपके कान स्वस्थ और अच्छे हो जाएंगे। और सुनिएगा, सोते समय रोजाना सरसों का तेल की उंगली से काजल की तरह अगर आप आंखों में लगाते हैं तो आपकी आंखों की जो रोशनी है वो तेज होती है। सरसों का तेल गर्म करके दोनों नुथनों, नाक के जो नुथने होते हैं, इसमें आप लगाइएगा तो आपकी नाक साफ रहती है और जुकाम नहीं होता। एसी टूटके हैं सर, बहुत काम के हैं, इसको आजमाइएगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में दर्द है तो क्या करेंगे आप, सरसों का तेल और हल्का सा उसमें नमक डाल लें, सफेद नमक, और उसको यूं मिला के आप अगर उस पर करेंगे तो आपके मसूड़ों से और आपके दांतों के दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके मसूड़े स्वच्छ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अगर मेरे भाई को, किसी बहन को, किसी को भी अगर बवासीर की रोग है, बवासीर का रोग बड़ा खतरनाक होता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको सरसों का 100 ग्राम तेल उसमें कपूर की दो टिक्कियां डाल लें और गर्म करके ठंडा कर दें और फिर उसे शीशी में भर के रख लें और उससे एक उंगली में सरसों का तेल लगाएं और आप सोते समय या बाहर निकलते समय अपने गुदा में आप उस तेल को लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे बवासीर से आराम आ जाएगा। तो हमने आज आपको 3-4 देसी नुस्खे बताए हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है कि सरसों का तेल कितना गुणकारी है। इसका आनंद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। और हाँ, इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज नुकसान दे रही है तो तुरंत छोड़ दीजिएगा। इसके लिए शुरुआत जी नेचुरोपैथी चैनल या शुरुआत जी चैनल कोई जिम्मेवार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, आपके शेयर और टिप्पणियों का इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच।